जी, गुजरात विधानसभा के इलेक्शनों में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, उसी के चलते जनता का क्या कहना है विधानसभा चुनाव के अंदर? गुजरात में जनता क्या चाहती है, परिवर्तन चाहती है या भाजपा सरकार जो है उनके लिए आने वाले समय के लिए भी सही सरकार है? तो कुछ ऐसे ही रिवर फ्रंट अहमदाबाद के युवाओं से हम जो बात करेंगे कि गुजरात विधानसभा में परिवर्तन चाहिए या भाजपा सरकार उनके लिए सही है। पिंकल है, मैं यहाँ के अहमदाबाद के ऑटो विस्तार में रहती हूँ, पसराल साइड। मैं यहाँ पे रिवर फ्रंट आई, बोलते हैं ना मोदी नव निर्माण, सब बोलते हैं आज की जनता, आज का जो शिक्षण एजुकेशन सब रीते, जब भाजप विपक्ष में था तब जनता की आवाज़ पहुँच जाती थी, बट आज विपक्ष की कहीं ना कहीं तो कमजोरी वीकनेस आ ही गई है जो जनता का आवाज़ पहुँच नहीं सकता। और सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है मोंगवारी। मोंगवारी एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए गरीबी, भूखमरा, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी, हमको बहुत सारी कंडीशन है। और मुझे ऐसा लगता है महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति, जो भी महिला आंदोलन जो भी है उसमें देश सरकार नामुक्त तो हो जा रहा है। क्योंकि आज मैं यही रिवर फ्रंट में हूँ, वहाँ पे मैंने कई, आपने भी सोचा कि एक साल दो साल पहले आयशा करके थी, उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था, वही रिवर फ्रंट पे मैं आज आई हूँ। उनका जिम्मेदार कौन, उन्होंने कितना कुछ सहना होगा, फिर उनकी महिला सशक्तिकरण क्या? महिला सशक्तिकरण कुछ भी नहीं है, कोई सरकार सब नाबूद होती जा रही है इसके लिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब आप बोल रहे हो, ये सब आंदोलन हो रहे, पर एजुकेशन सस्ता होगा तो बेटी पढ़ेगी ना, तो बेटी बचेगी ना। आज के ज़माने में बेटियाँ कोई तो ऐसी समाज भी है जो बेटी को नहीं पढ़ाने चाहते, बेटी को नहीं बचाने चाहते, भी बेटी का घर का काम करती है, वो करती है। और जब बेटी उनके घर में से लड़ चढ़ के पर बाहर आती है तो सरकार उनका एजुकेशन इतना महंगा कर देते, तो कहाँ से बेटी बचेगी और कहाँ से बेटी पढ़ेगी? वो भी तो होना चाहिए ना, एजुकेशन सस्ती करो तो वो इतना घर से लड़ के आती है तो वो बाहर जाके सरकार तो उनका साथ दे सकती है ना। नशेबंदी होनी चाहिए। और गांधी देश है ना, गांधी के गुजरात का गांधी गुजरात है ना, तो यहाँ पे दारू बंद होनी चाहिए। कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले लट्ठागन हुआ था, उसमें बहुत सारे घर परिवार बेकार हो गए थे, कुछ लेडीज़ है जो विधवा हो गई थी, उनका जिम्मेदार कौन, उनका परिवार का जिम्मेदार कौन, कि उनके बच्चों का, ये सब नशा की कारण है कि जवाबदार एक भाजपा सरकार है। रोकना चाहती है तो सरकार सब कुछ कर सकती है, हमारा घर है हम चला सकते, सिस्टम से चलाते, तभी देश है तो देश को कितने सारे जो है गृह मंत्री, वो मंत्री उसकी पोस्ट है तो वो उस पोस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए ना। हम ऐसा तो नहीं है कि एक ही नरेंद्र मोदी है तो वो पूरा देश चलाते, पर नरेंद्र मोदी के नीचे जितने सारे हैं, जितने सारे पद हैं, उनको भी कहीं ध्यान देना चाहिए, उनको भी अपना काम करना चाहिए और देश एक अच्छा देश निर्माण करवाना चाहिए। ऐसा नहीं, लोग भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है, पर अपने अपने कार्य पर सब ध्यान दे सकते तो अच्छा गुजरात, अच्छा देश अपना बन सकता है।